छन से टूटे शीशे जो बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। तुमने भी तो खुद को कमरे तक महदूद कर लिया हो। से मिला जुला तो करो ताकि दूसरे को समझ पाओ तुम दोनों। तुम तो ऐसे बेड से चिपक कर बैठ गई हो जैसे कोई प्रेग्नेंट हो। सही उम्मीद भी डॉक्टर की उस रिपोर्ट ने खत्म कर दी है कि तुम अब मां नहीं बन सकती। ये तस्वीर तो मैं सारे खानदान वालों को दिखाऊंगी। सरमत को सिर्फ पानी में डुबोया है अभी। आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। क्या तुमने सरमत को पानी में डुबोया है? तुम पागल तो नहीं हो? उनको पानी से एलर्जी है। अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो? मंजूर इलाही ने तो हमको उस रात के बाद कभी हाथ भी नहीं लगाया। खुदा गवाह। लेकिन बाजी बेगम, वो तस्वीरें तो कुछ और ही बात बता रही हैं। या अल्लाह, हम करें तो क्या करें। अरे जिस शख्स का नाम हमने अपने दिलो दिमाग से अपने बेटे की वल्दियत तक से निकाल दी, उसके साथ हमारी उल जलू तस्वीर, हमारी तो धज्जियां उड़ जाएंगी। गुलनार, अगर पप्पा जान ने, मामू जान ने और मानी जान ने देख ली वो तस्वीर तो हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। गुलनार, बचा हम इस अजाब से। किसी के पास तो इसका तोड़ होगा। हाँ बाजी बेगम, एक बाजी है, बंगाली बाजी। बाजी बेगम, उसके पास हर जोड़ का तोड़ मौजूद है। वो है ना बे औलादों के घर औलाद, वो आशिक आपके कदमों के नीचे, और वो मर्दाना कमजोरी। चुप रह, सबान को लगाम दे। बुला उस बंगालन बंगालन को। जी बाजी बेगम। चल जा। हेलो। हेलो रोहन, कहाँ हो? कुछ नहीं यार, दोस्तों की तरफ जा रहा था। तुम्हें कोई काम है तो बोलो। हाँ है, तो घर आओगे तो बताऊंगी। नहीं 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 भाई, फोन पे ही बता दो। पता है क्या, तुम्हारे घर आते हुए अब कुछ अजीब सा लगता है। अरे आओ तो सही, बताती हूँ ना सब। जल्दी आओ जल्दी, ओके? अरे बात, लड़की बहुत पागल है यार, उसके घर जाना पड़ेगा। अम्मी बेगम, आप अपने लखते जिगर की बात को क्यों नहीं समझ रही हैं आखिर? मुझे अपनी तन्हाई अपनी दुल्हन के साथ बांटनी है। आई वॉन्ट टू मैरी कश्माला। कैसे समझाऊं आपको अम्मी बेगम, कैसे उन्हें चलता करूं यहां से? गुड जॉब सरमत, अब रोजाना आना एक घंटा स्विमिंग। रोहान तो 4 घंटे स्विमिंग करता है। तुम स्विमिंग करते हुए कितने हैंडसम लगते हो, बिल्कुल जॉन अब्राहम की तरह। मम्मी बेगम की सुनो या कश्माला की, दिमाग की या दिल की? बाय कश्माला। तुम कश्माला को कहीं पसंद तो नहीं करते ना? हाँ। हाँ? अम्मू ये बताएं कि आपने बाबा को बताया? नहीं कश्माला, पता नहीं आजकल बहुत उखड़े उखड़े से रहने लगे हैं, ना जाने क्या उलझने हैं उनको। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने मना क्यों किया है रोहान के लिए? कहीं किसी और को तो नहीं चाहने लगी हो?
खुदा का वास्ता है मेरी बहन। के मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, के मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। हाँ भाई रोहन साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? यहाँ कैसे आए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा बहुत पुरानी लाइन हो चुकी है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिल लूं। पता है राज कपूर से लेकर अली अब्बास तक सबने ये लाइन बोल दी हुई है, कोई खास काम था तुम्हें? लेकिन मेरे साथ वाकई में ऐसा हुआ है सरमत, बल्कि मुझे तो कश्माला ने बुलाया था। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज होगा, कजन हो तुम उसके और सिंपल फ्रेंड भी हो कभी भी मिलने आ सकते हो। एनीवेज मैं जरा यार स्विमिंग करने के लिए जा रहा था। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें स्विमिंग आती है। हाँ हाँ जानता हूँ जानता हूँ, बहुत बड़े स्विमर हो तुम, 100 meters रेस जीते हुए हो ओलंपियन साइज पूल में, कश्माला ने सब बताया मुझे, लेकिन मैं भी स्विमिंग सीख रहा हूँ। कश्माला ने तुम्हें ये सब कुछ बताया? हैरत है, मुझे तो स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती, बल्कि एक दफा तो कश्माला ने मुझे तालाब में धक्का दे दिया था, सांस उखड़ गया था मेरा, औरंगजेब अंकल ने मुझे बचाया। उस रोज से आज तक मैं तो स्विमिंग पूल के करीब भी नहीं जाता। अच्छा अच्छा, इधर इधर एक बात मुझे सच सच बता, तुम कश्माला को कहीं पसंद तो नहीं करते ना? हाँ हाँ, लेकिन उससे क्या होता है, सब पे साकी की नजर हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। मैंने देख लिया, वो तुम्हें चाहती है और भरोसा करो उस पे और अपने जज्बात पे। एक मिनट, हेलो, मैं कश्माला का एक परिस्तार हूँ, खामोश परिस्तार, बस ये हैसियत है मेरी, वो तो सिर्फ तुम्हारी है, और इस बात पे मैं तुमसे खासा जेलिस भी हूँ, मगर बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकता। ओके आई विल कॉल यू बैक, बाय। अच्छा जी फिर मैं चलता हूँ। यार बानो कहाँ है, मुझे अपनी काली कुर्ती नहीं मिल रही, मुझे इरम की ढोलकी पे भी तो जाना है, आपको बताया तो था। तुम्हें तो सामने खड़ी दीवार तक नजर नहीं आती, बानो जरा गई हुई है वो शादी। बानो की शादी? बानो माली से शादी करी है? हाँ, या उस बावर्ची से? आप चुप कर जाओ कश्माला, चुप कर जाओ, उनके सफेद बालों का ही कुछ ख्याल कर लो, उनके दूर के भांजे की शादी है, उस पे गई है हैदराबाद, आ जाएंगी कुछ दिनों में। अब मैं क्या करूंगी, मेरी लॉन्ड्री कौन करेगा, मेरे कपड़े कौन ढूंढेगा, मेरी वार्डरोब कौन संभालेगा? इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास, तुम अपनी सारी चीजों का खुद ख्याल रखोगी, अपनी वार्डरोब भी खुद ठीक करोगी, थोड़ी सी जिम्मेदारियां कबूल करो, थोड़े ही दिन में बेबी भी आ जाएगा, मेरा तो बहुत बुरा हाल है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अम्मू ये बताएं कि आपने बाबा को बताया? नहीं कश्माला, पता नहीं आजकल बहुत उखड़े उखड़े से रहने लगे हैं, ना जाने क्या उलझने हैं उनको, ऑफिस की, बाजी की, वो मुझसे कुछ शेयर करें तो मुझे पता चले ना। आप ना मुझे इंडियन सोप की पुरानी हीरोइन लगती है जो सदियों तक इंतजार करती है एक बात बताने का, बस कह दे अली आई एम प्रेग्नेंट। कुछ तो ख्याल करो कश्माला, मैं तो इस चक्कर में हूँ कि किसी तरह तुम्हारी शादी की बात पक्की हो जाए, बाजी ने तो बस रोहन की रट लगाई हुई है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं तुम्हें इस जहन्नुम में छोड़ूं, लेकिन इस बात से भी डरती हूँ कि अगर मना किया तो भाईजान खफा हो जाएंगे।
अरे अम्मू आप फिक्र नहीं करें, मैंने रोहन को साफ साफ मना कर दिया है और जो अंगूठी उसने मुझे दी थी ना वो भी उसे वापस कर दी है। आप बस अपने बेबी की फिक्र करें, ठीक है? अच्छा नाम क्या सोचा है? मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे। मैं बताऊं? सूफी साहब बात सुन लो मेरी, कह दिया है मैंने मैं अपने बेटे की शादी में लाल जोड़ा गोल्डन काम वाला जरूर पहनूंगी और टीका तो मस्त लगाऊंगी मैं। सुन रहे हो ना मेरी बात? कमाल है, ये बिल देखो, लाइट भी कम जलाओ पंखा भी कम चलाओ फिर भी बिल वैसे का वैसे ही। बिजली के बिल में घुसे हुए? अरे मेरी बात सुनी या नहीं सुनी? क्या कह रही हो भाई? लाल जोड़ा गोल्डन काम वाला और मेरा टीका। तुम अपनी शादी का जोड़ा क्यों नहीं पहन लेती हो बेटे की बारात में? हैं? बहुत अच्छा आइडिया है मगर वो ना थोड़ा टाइट हो गया है। थोड़ा झूठ बोलने की भी हद होती है। कल मैं तुम्हारी चप्पलें पहन के चला गया था मस्जिद, पता भी नहीं चला। दो रोटी खाता हूँ और उसके बाद एक गिलास पानी पी लेता हूँ और तुम तीन रोटी खाने के बाद चावल अलग खाती हो। अल्लाह ऐसा किसी को ना दिखाना, कभी ना दिखाना, ऐसा जोर किसी को ना देना, मेरी रोटियां गिन रहा है। शख्स क्या दिलाएगा मुझे नया जोड़ा और 12 चूड़ियां? हाँ कैसे दिलाएगा, ये तो मेरी रोटियां गिन रहा है। क्या होगा मेरा? ये चूड़ियां कहाँ से आ गई अब? हाँ तो जोड़े के साथ में चूड़ियां नहीं पहनूंगी, है नंगे हाथ चली जाऊंगी। 12 चूड़ियां सोने की और जोड़ा और एक चूड़ी 15 ग्राम की, फाइनल। और वो जो दुबई में जेवर दिलवाया था वो कहाँ गया? है सब ओल्ड डिजाइन के हो गए, 10 मरतबा पहन चुकी हूँ, 12 तो नहीं पहनूंगी। पहली बात यह कि अभी दूर दूर तक तुम्हारे बेटे की बारात के कोई आसार नहीं है। कशमाला को अंगूठी तक तो पहना ही नहीं है उसने, और फिर खर्चा करना ही है तो अपनी आने वाली बहू पे करो, उसके जेवर और कपड़ों का खरीदारी का कोई प्लान बनाओ तो भी कोई बात है। क्यों मैं मर गई हूँ, मरूम हो गई हूँ मैं? मरी क्या है मेरी अभी? तुम्हारी ख्वाहिशात जो है ना वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो बिजली का बिल जो है वो टेलीफोन का बिल का है, उसका हिसाब किताब अलग करना है मैंने। शुक्र मैं बरकी तवानाई से नहीं चलती, मुझे भी आदमी साकित करके एक जगह खड़ा कर देता। लेके रहूंगी मैं भी चूड़ी 15 ग्राम फी चूड़ी। रोशन यार हटो शीशे के सामने से, ये झुमके तो मैंने पहने थे यार, अब तुम पहन रही हो। जी नहीं, ये झुमके और ये नेकलेस मेरे हैं, अम्मू ने मुझे दिए थे। ये तुम्हें तो कभी ज्वेलरी का शौक ही नहीं था। हाँ तो अब हो गया ना, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मैं दुनिया की नंबर 1 सबसे हसीन तरीन लड़की हूँ। नहीं नंबर 2 पे, नंबर 1 पे तो मैं हूँ। अच्छा आप सुनो ये लो और मैं तुम्हें ये नेकलेस उतार के। नहीं नहीं तुम पे सूट कर रहे, तुम पहन लो ये, ये लो। अच्छा बात सुनो, अच्छे से डांस करना, बहुत मेहनत किया हमने। और जफर भाई को कॉल कर लेना, अम्मू ने कहा था कि वो वहीं वेट करेंगे ढोलकी खत्म होने तक। हाँ वैसे सही बात की है तुमने, मैं जफर भाई को फोन करके पूछूं। जरा मैं भी नहीं पहन रही इयररिंग्स, इतना काफी लग रहा है। कश्माला मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। मैं अपनी गोल्डन सैंडल्स तुम्हें नहीं दूंगी, वो मेरी है ठीक है? तुम हमेशा मेरी चप्पल पहनती हो और हमेशा तोड़ देती हो, बचपन से तुम्हारी आदत है, मैं नहीं दे रही। मैं तुमसे मांग भी नहीं रही हूँ तुम्हारी सैंडल्स, मैं ये पूछ रही थी कि तुमने रोहन के लिए मना क्यों किया? अच्छा भला गुड लुकिंग लड़का है। यू मीन अपना कजिन रोहन? पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया तुम्हें रोशनी? क्यों आखिर उसमें बुराई क्या है? अच्छा खासा है, अच्छा दिखता है, कूल है, तुमने क्यों मना किया? हाँ बहुत कूल है, ऐसा करो तुम शादी कर लो, वैसे भी मामी तुम्हें ज्यादा प्यार करती है। अब नहीं देखो तुम बड़ी हो ना तो पहले शादी तो तुम्हारी होगी फिर उसके बाद मेरी होगी शादी, और वैसे भी अभी ना मुझे थोड़ा और पढ़ना है इसलिए तुम कर लो शादी, मैं बाद में करूंगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने मना क्यों किया है रोहन के लिए? कहीं किसी और को तो नहीं चाहने लगी हो? खुदा का वास्ता है मेरी बहन, जब मेरे दिल की घंटी बजेगी ना तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। ओके अब कहाँ है यार जफर भाई, फोन भी नहीं उठा रहे। जफर भाई
जफर भाई कहाँ हैं आप यार, खाना भी लग गया होगा अब तक तो। शाने अब हाँ आ रही हूँ बस। हम ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। जादू से बन गई ये तस्वीर, और ये खत जो है ना, ये देखिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया समिया, अभी इतना बड़ा घर में फसाद मचा है, कितना पकड़ा खड़ा किया है बाजी ने, और तुमने फिर उसको साथ भेज दिया उनके, क्या हो गया तुम्हें? फॉर गॉड सेक समिया। बस औकात लोग वो नहीं होते जो वो दिखाई देते हैं। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती सरमद मियां। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। या अल्लाह, हम इतने बेदस्तपा क्यों हो गए हैं? समझ में हमारी नाक के नीचे गुड़ खिला रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। बाजी बेगम आप फिक्र मत कीजिए, बड़े साहब ने जो गलती की है ना, वो छोटे साहब हरगिज नहीं करेंगे। आपको पता है वो तो उन दोनों को अपनी सगी बहनें समझते हैं। वाकई तुम सच कह रही हो? बाजी बेगम कसम ले लें, आपकी कसम, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप क्या? नहीं, मुझको मौत आ जाए बाजी बेगम, मुझ जन्म जली को। अच्छा वो जो थी ना बंगालन बंगालन बाजी बाजी, उसका क्या हुआ? तौबा तौबा कीजिए बाजी बेगम, बल्कि जाकर वजू करके आइए, उनकी शान में इस तरह गुस्ताखी ना कीजिए, वो बहुत पाकबाज और जलाली खातून है। अरे भाई बौखलाहट में निकल गया होगा मुझसे, क्या करें, शान बेनियाजी और गुरूर तो हमें विरासत में मिला है। अब्बा हुजूर तो किसी मुलाजिम को भी उसका शिजरे नसब पड़े बगैर नहीं रखते थे। क्या मजाल जो कोई नीच जात का या कोई गैर मजहब मुलाजिम हमारे घर में मुलाजमत हासिल कर ले। वैसे बाजी बेगम अब वो दौर चला गया, अब बंगाली बाजी और आमिल रमेश का दौर है। वैसे मैंने सलीम को दौड़ाया था, सुबह 6 से 9 बजे तक टोकन देते हैं, लेकिन 3 घंटे के बाद भी उसका नंबर नहीं आया। मैं कल जरूर भिजवाऊंगी उसको। लेकिन जल्दी करो ना गुलना, और जल्दी, अगर वो बेहुदा तस्वीर मंजरेआम पर आ गई तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जाओ ना, जाके बादाम का शरबत बनाकर लाओ, मुकव्वी कल्ब। हमारा दिल धड़ कर रहा है पूरी तरह से। जी जल्दी करो। पता नहीं भाईजान और भाभी का क्या रिएक्शन होगा, यकीनन बहुत मजाक उड़ाएंगे, बात बनाने का मौका मिल जाएगा उन्हें, लेकिन मैं क्यों दुनिया वालों से डरूं? अली तुराब और बच्चियां हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। ठीक ही तो कहती है कश्माला, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं समिया, जो पहले समिया औरंगजेब बनी और फिर समिया अली तुराब, मगर इन तमाम नामों से पहले मेरा अपना नाम, मेरी अपनी शनाख्त, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। अली तुराब ने मुझे इस घर में हैसियत और बुलंद मुकाम देने की पूरी कोशिश की है, वो कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें औलाद जैसी नेमत दूँ, ख्वाह मखा मैं उनसे झगड़ा कर लेती हूँ। बाजी बेगम वो आई है, वो क्या कहते हैं वो कौन है इस वक्त हमसे वक्त लिए बगैर? जाके कह दो उनसे हम इस वक्त किसी से नहीं मिलेंगे।
ये हमारे मुताले का वक्त है। बाजी बेगम, आपके फुप्पा और साथ वो आई है राहजहां। बाजी बेगम, मेरा ख्याल है कि वो राहजहां ही सबको लेकर आई है। अच्छा अच्छा, हमारी मिजाज पुरसी के लिए आए होंगे। देखो गुलनार, हम तो कहीं आते जाते नहीं है, लेकिन हमारे सारे रिश्तेदार हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा देखो, जल्दी से जाके कबाब तल लेना और कुछ खुश्क मेवा निकाल लेना, और हुमा से कहना कि जल्दी से खूब अच्छी तरह से फेर के कॉफी बनाए। ठीक है, मैं अभी बना के लेकर आती हूँ। कहिए, आप लोगों ने कैसे तकलीफ की? पापा जान, आप कब आए लंदन से? और शम्मो आपा कैसी हैं? मैं तो परसों ही आया हूँ, और वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। शुक्र करें कि वो पाकिस्तान में नहीं है, वरना आपके ये करतूत देख के वो अपने होश आवाज खो बैठती। करतूत? ये क्या कह रहे हैं आप? यहाँ यहाँ ऐसा क्या हुआ है? अच्छा अच्छा, वो अली तुराब की दुल्हन मिसेस खान। किसी की दुल्हन नहीं, आपकी बात हो रही। देखें, गौर करें ना, ये तस्वीरें देखें आप। बजान, बखुदा हम कैसे आपको यकीन दिलाएं, ये हम नहीं है। हम ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। जादू से बन गई ये तस्वीर, और ये खत जो है ना, ये देखिए, पढ़ें, ये भी मैंने लिखा है क्या? लीजिए। जान से प्यारे मंजूर, तुम्हारी बहुत याद आती है। हम कब तक इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मरी वाला हनीमून जब जब याद आता है तो दिल में कुछ होने लगता है। मैं तुम्हारे इश्क में पूरी तरह भीग चुकी हूँ, लानत। जान, खुदा के लिए आप हमारा यकीन कीजिए, ये हमने नहीं लिखा। हम क्यों लिखेंगे किसी को खत? किसी को नहीं, मंजूर इलाही को। आपने तो सारी उम्र यही ढंडोरा पीटा ना कि वो एक रात की दुल्हन को तलाक देके चला गया। बड़ी मजलूम है आप। और ये तस्वीर और ये खतूत कुछ और ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये? हम तो हमेशा ये समझते रहे आपके ढोंग पर कि वो एक रात की दुल्हन को तलाक देके चले गए। जालिम है वो, तुमसे हमदर्दी जताते रहे। बोल तो असल अब खुला है। राजा, आप क्या मुंह में घुंघटियां भर के बैठी हुई हैं कि कुछ बोल ही नहीं रही? या हमारी इज्जत दो कौड़ी की हुई जा रही है और आप बैठ के तमाशा देख रही हैं? बाजी बेगम, मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया इन्हें, लेकिन ये समझते ही नहीं है। अब मैंने तो समझाया था कि माफ कर दें आपको। अब देखिए ना, जवानी में तो गलतियां हो ही जाती हैं आदमी से। अंजू मारा, अगर ये बातें सच निकली, जो कि सच है, हमारा खानदान है ना, आपसे बायकॉट करने पर मजबूर होगा। कोई शादी ब्याह मरने जिन में भी ताल्लुक नहीं होगा तुम्हारे से हमारा। खुदा के लिए ऐसा ना करें हमारे साथ। आप तो हमें अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे किरदार से अच्छी तरह से वाकिफ है। हम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज हम पर ये जुर्म ना तोड़ें। बाजी बेगम, आप इनसे अगले हफ्ते आने का कहिए, जब तक बंगाली बाजी को जोड़ तोड़ कर लेंगे। भजन, हमें बस एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए, हम सारे सबूत इकट्ठा करके
ये सब बातें झूठी साबित कर देंगे और जो असल मुजरिम है उसको आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे। प्लीज फूफा जान। देखा जाएगा, अगले हफ्ते फिर आएंगे हम इसी वक्त। बुढ़ापे में मुंह काला करा है तुमने हमारा। बाजी बेगम छोड़े इनको, छोड़े, मैं आपके कंधे दबाती हूँ। समय बचिया नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो, बुलाओ तो सही उन्हें। हाँ, रोशनी के एग्जाम्स हो रहे हैं, उसकी तैयारी कर रही होगी, है ना? वो कश्माला की फ्रेंड थी ना इरम, अगले हफ्ते शादी है उसकी, आज उसके यहाँ ढोलक थी, वहीं गई हैं दोनों। आई सी, चलो मैं जरा सरमत को मिलकर आता हूँ, कोई बात करना चाह रहा था वो। वो सरमत कश्माला और रोशनी को ड्रॉप करने गया है। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया समिया? अभी इतना बड़ा घर में फसाद मचा है, कितना खड़ा खड़ा किया है बाजी ने, और तुमने फिर उसको साथ भेज दिया उनके? क्या हो गया तुम्हें? For God's sake समिया। अली क्या हो गया है आपको? सफर छुट्टी पे गया हुआ था और फिर सरमत ने खुद ही कहा कि वो उनको पिक एंड ड्रॉप कर देगा। आप भी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना लेते हैं। परेशानी की बात है ये, बिल्कुल है ये। चाय पियेंगे आप? हाँ, जाने जाना ठंडे तुझे दीवाना सपना मेरा ज्यादा। शर्मत मियां, बेगम आप इस वक्त यहाँ छुप के, मेरा मतलब आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कोई बहुत बड़ा मार्का सर करके आए हैं आप जो इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं? जी हाँ अम्मी बेगम, वो एक बहुत बड़ी बिजनेस डील फाइनल की है तो बस उसी पे दस्तखत करके आ रहा हूँ अभी। आप सोई नहीं अभी तक? जब हमारा बेटा हमसे दूर होता है तो नींद हमारी आंखों से कोसों दूर चली जाती है। बहरहाल बिजनेस डील आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन देखभाल के दस्तखत कीजिएगा। बाज़ोकात लोग वो नहीं होते जो वो दिखाई देते हैं। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती सरमद मियां। ठीक कह रही हैं आप अम्मी बेगम। बहुत नींद आ रही है मुझे तो, मैं चेंज करके आ रहा हूँ। आप भी जाइए ना, जाइए सो जाइए अपने रूम में। हाँ जी। इजाजत के बगैर तुमने इसको कराची कैसे बुलाया? वो खाना पकाने वाली 2 महीने से गायब हो गई है तो मैंने सोचा भाई को बुला लूं। बाजी बेगम, इसने ना बड़े बड़े होटलों में खाना पकाया है। ये बताओ कश्माला के साथ सीन ऑन हुआ या नहीं हुआ? और से कासिम कह रहे थे कि नहीं अम्मा, मुझे नहीं लगता कि वो इंटरेस्टेड है। कि मन मर जाए। सच कह रही थी गुलनार, अगर हमने बंगाली बाजी पर इत्तेकाद न किया तो हमारा हश्र भी बहुत ही भयानक होने वाला है।
मिर्जा पप्पा तो हद से उखड़े जा रहे थे। इस तरह तो कोई हमारे अली तुराब और सरमत को बेटी नहीं देगा। अरे भाई कहाँ जा रहे भाई? ओ भाई क्या हो गया, क्या हो गया तुमको? कहाँ जा रहे हो भाई आप? ओ भाई गुल्लार का भाई हूँ सगा एकदम। आशिक हुसैन, अम्मी जान कहती है। कौन है, भेजो उसको अंदर। वो देखो पहचान लिया मेरे को, दरवाजा बंद कर दो, मशकूक लग रहा है तू मेरे को। सलामकुम। हाँ भाई कौन हो तुम? पहचाना नहीं, आशिक हूँ आपका। जबान को लगाम दो, तुम क्यों होने लगे हमारे आशिक? नहीं नहीं गलत समझ रही हैं आप, मेरा पूरा नाम है आशिक हुसैन, वो नहीं है गुल्लार, भाई हूँ उसका बिल्कुल सगा। गुल्लार मैं बुला रहा हूँ, गुल्लार। ओए मेरा भाई, ओए मेरा भाई, रहने दे। वो बाजी बेगम, ये मेरा भाई है आशिक हुसैन। कैसा है वीर तू? थक गया होगा ना सफर में, ट्रेन का सफर होते ही इतना माठा है। अब कसम से मेरे बस में होता ना तो मैं तुझे जहाज का टिकट दे दी, तू आराम से जहाज में बैठ कर आता। गुलनूर बहुत पर निकल आए तुम्हारे, हमारी इजाजत के बगैर तुमने इसको कराची कैसे बुलाया? वो बाजी बेगम खाना पकाने वाली 2 महीने से गायब हो गई है, तो मैंने सोचा भाई को बुला लूं। बाजी बेगम इसने ना बड़े बड़े होटलों में खाना पकाया है, और बताओ ना भाई बताओ। जी जी, जैसे कि वो बहुत मशहूर नहीं है, चमन होटल, नसीब होटल, अपना कोयटा सलातीन होटल, पिशावर होटल, और हाँ एक का नाम भूल गया अपना, वो नवाबशाह होटल। हाँ, बाजी देखे कितने सारे होटलों में इसने काम किया, आप इसे रख लेना। गुलनार तुम्हारा भाई न सिर्फ शक्ल और सूरत से गैर में आ रही है, बल्कि इसका तजुर्बा भी बिल्कुल नाकस घास फूस वाले होटल का है। इसे किराया दे के रुख्सत करो, तो घर में झाड़ू लगाने के भी काबिल नहीं है। अरे देखिए मेरी अम्मी जान कहती हैं कि कोई भी धंधा छोटा और बड़ा नहीं होता। बाजी बेगम ठीक है बाजी बेगम, अगर मेरा भाई किसी काबिल ही नहीं है तो फिर मैं इसके साथ ही रुख्सत हो जाती हूँ। चलो आशिक हुसैन। हाँ हाँ ठीक है, जाओ दफा हो जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। बाजी बेगम आपको वो अता पता तो पता ही है बंगाली बाजी का, वो तंग गलियाँ, वो रक्षा, वो कटर, वो नाले, वो गलाजत। मुझे उम्मीद है कि आप सारा मसला खुद आराम से तय कर लेंगी, तो फिर हम चलते हैं। कहा सुना माफ कीजिएगा आशिक हुसैन, चलो हम चले आओ। गुलनार सुनो, वो के अपने भाई को वो सलीम के बराबर वाला सर्वेंट क्वार्टर है ना, वो दे दो, और उसकी तनख्वाह हम फिर बाद में तय कर लेंगे। जाओ हमारे कहवे का वक्त हो गया है। जी बहुत शुक्रिया बाजी, चलो आ जाओ आशिक हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ जा रहे हो, कब आते हो, कब जाते हो, कुछ पता ही नहीं चलता। अरे मैं ऑफिस ही जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा, लेकिन आपकी गुड मॉर्निंग इतनी सुबह सुबह कैसे हो गई? आपके लिए तो ये गालिबन फजर का वक्त है नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी अभी मुर्गे ने बांग दी है। ताने तो जैसे तुम बाप बेटे की रग रग में बहते हैं ना। ये बताओ कश्माला के साथ सीन ऑन हुआ या नहीं हुआ? ऊपर से कासिम कह रहे थे कि नहीं। अम्मा मुझे नहीं लगता कि वो इंटरेस्टेड है, मैं आपको तफसीलात वापस आके बताऊंगा, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। ऐसी भी क्या देर हो रही है, क्या खरीद लिया ऑफिस वालों ने रोहन? समझदार है, शादीशुदा है, और फिर इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ हाँ वाकई शर्म की तो कोई बात है ही नहीं, तो बच्चियों के होते हुए दूसरी शादी कर ली,
दूसरी शादी की तो क्यों उस पे एक और औलाद? अगर मेरी बहन ने काम किया होता तो एक हंगामा खड़ा कर देते तुम। ये लो अम्मा। ए, ए, ये क्या? एक मंगा समझता है कि वो एक लड़की है आफत की परकाला कश्माला। हम चाहते हैं कि वो हमारा पीछा छोड़ दे। आवाज नीचे करो। ये बंगाली बाजी का आस्ताना है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बंगाली बाजी की आवाज गूंजती है।